हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी स्वीट कॉर्न के पकोड़े। चलो शुरू करते हैं। ये हमने स्वीट कॉर्न धो के साफ करके रख लिए हैं। अब हम इनका एक बेसन का एक घोल बनाएंगे। घोल के लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है। अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़े धनिया की पत्तियाँ। अब हम इनका एक घोल तैयार कर लेंगे। ये हमारा घोल अब तैयार हो गया है। अब हम स्वीट कॉर्न लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला। और अब हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसके अंदर इनको डिप करेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करके करने के लिए रख दिया था। अभी तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें बेबी कॉर्न को डालेंगे। अब हमारे स्वीट कॉर्न के पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये हमारे बेबी स्वीट कॉर्न के पकोड़े तैयार हो गए हैं। देखने में बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। खाने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।